आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से मैंने ये हरी वाली कुर्ती के डिजाइन को काटा है और बाजू को कैसे काटा है। कपड़ा तकरीबन 2 मीटर ले लीजिए। पैटर्न बनाएंगे तो आसानी रहेगी, वरना कपड़े को डायरेक्ट आप काट सकते हैं, बस थोड़ा ध्यान रखिएगा। कपड़े को फोल्ड कर लीजिए, हिप का 1/4 हिस्सा और 2-3 इंच फालतू। अभी हम सिर्फ पीछे का पल्ला काट रहे हैं ड्रेस का। इसको प्रेस करके बिठा लीजिए। ऊपर से कपड़े को बराबर कर लीजिए। लंबाई जो आपने डिजाइन भेजा है उसके हिसाब से तकरीबन 35 इंच और 2 इंच फालतू ले लीजिए मोड़ने के लिए और कंधे की सिलाई के लिए। लंबाई आप कम ज्यादा भी रख सकते हैं वैसे। अब हम निशान लगाएंगे मुड्ढे का 7.5 इंच पर। कमर 14.5 इंच, हिप 21.5 इंच और टोटल लंबाई जिसमें हमने टोटल 2 इंच फालतू किया है। निशानों को बाहर तक खींच लीजिए। देखिए मैं अक्सर आपको डिजाइन या ड्रेसेस बताती हूँ डायरेक्ट कपड़े पर, आसान तरीका है, बन जाता है। लेकिन जो तरीके ऐसे होते हैं डिजाइनर वाले, उसमें कपड़ा 1/2 मीटर 1 मीटर फालतू लेके चलिया कीजिए। फिर हमने कंधे का निशान लगाया 1/2 कंधा 1/4 इंच। कंधे से यानी तीरे से 1 इंच कम चेस्ट लाइन पर निशान लगा लिया। इन दोनों निशानों को मिला लिया। चेस्ट का 1/4 हिस्सा जिसमें 1/2 इंच जोड़ा है हमने। कमर जितनी है उसका 1/4 हिस्सा। मैंने डिब्बों में पूरा फॉर्मूला बताया हुआ है, आप वीडियो स्टॉप करके उसको लिख सकते हैं। हिप लाइन में भी हमने 1/2 इंच ही जोड़ा है 4th हिस्से में, और हिप का बराबर ही आप मोरी ले सकते हो या फिर उसमें 2 इंच फालतू ले सकते हो। इन निशानों को हम मिला लेंगे। आप थोड़ा गोलाई में भी ले सकते हो, नीचे से 1 इंच गोलाई में, या आपकी बेसिक कुर्ती जैसा हो गया। और जो हमारा गला है वो हल्का सा चौड़ा है, तो 4 इंच चौड़ाई ले ली आप कम, यानी 3 इंच या ज्यादा, यानी 5 या 6 इंच भी रख सकते हो। गले की गहराई 3 इंच अगले गले की। लेकिन अभी हम सिर्फ पिछला पल्ला ड्रेस का काट रहे हैं, तो मैं आपको बता तो रही हूँ 3 इंच पर हमने अगला गला काटना है, लेकिन मैं इस निशान पर नहीं काटूंगी। मैं इससे ऊपर यानी 1/2 इंच ऊपर चौड़ाई गले की वही बराबर रहेगी 4 इंच, लेकिन गहराई 2.5 इंच पर निशान लगा के और मुड्ढे की जो 1/2 इंच मुड्ढे पर लेकर के शोल्डर स्लोप बीचों बीच इसमें निशान लगाएंगे और फिर पिछला मुड्ढा निकाल लेंगे। 1.5 इंच बाहर की तरफ दबाव का निशान लगाएंगे। मैक्सिमम 2 इंच ले सकते हैं, कम से कम 1/2 इंच चाहिए, तो 1.5 इंच भी हम ले सकते हैं। बाय चांस कोई मोटा हो जाए तो ढीला करना पड़ेगा। अब बाहर वाली जो निशान है उसके ऊपर हम कैंची चला देंगे। ध्यान रखिएगा पिछला वाला पल्ला बिल्कुल सीधा साधा नॉर्मल कुर्ती के जैसे हम काट रहे हैं। नीचे से देखिए 1.5 इंच मैंने फालतू लेते हुए कट कर लिया, क्योंकि मैं कपड़ा नीचे का बर्बाद नहीं करना चाह रही थी इसलिए। लेकिन आप चाहें पूरा पूरा मेजरमेंट से चले। अच्छा जी, अब हम काटेंगे अगला योक। तो कपड़े को मोड़ा, ये आसान है तरीका। पिछले वाले पल्ले को रखेंगे, पिछले वाले पल्ले का जो हमारा मुड्ढा है वहां से तकरीबन 1/2 इंच नीचे निशान लगाएंगे। आप कम या ज्यादा ले सकते हैं और इसको लाइन पर काट लेंगे। यदि आप कैंची पर पूरा आपका हाथ नहीं बैठा है तो चौक से निशान लगाइए
और उसके बाद कटिंग कीजिए डायरेक्ट। कटिंग करने से कभी कभी एक्सपर्ट लोगों का भी हाथ फिसल जाए और वो गड़बड़ हो जाए काम, कपड़ा खराब हो जाए, तो आप मुझे ही गालियाँ देंगे। तो इससे अच्छा है कि आप निशान लगा लें और उसके बाद कटिंग कर लें। लेकिन आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है तो मेरी तरह काट भी सकते हो, मनाही नहीं है। आधा इंच गहरा अब हम गले को काट लेंगे और मुड्डा भी हमारा आधा इंच अंदर की तरफ होकर निशान लगा लेंगे। निशान पर हम कटिंग कर लेंगे। अंदाजे से आप डायरेक्ट कटिंग कर सकते हो, लेकिन निशान लगा के काटना सही रहता है, खतरा कम हो जाता है आपका, क्योंकि आप लाइन पर चलते हो और लाइन पर चलना अक्सर सेफ रहता है। तो ये हमारा योग कट गया, सीधा साधा सिंपल। ये हमारा पीछे का पल्ला हो गया और ये हमारा योग जो हम आगे लगाएंगे। योग के ऊपर वो जो हमें ओवरलैप करना है, दोनों पैनल लगाने के दो तरीके हैं डिजाइन के हिसाब से। एक तरीका है कि आप कपड़े को टेढ़ा रखें, लेकिन टेढ़ा यानी थोड़ा सा आड़ा रखें, ओके। और दूसरा तरीका है कि कपड़े को सीधा रखें, क्योंकि मेरे इसमें डिजाइन सीधा सीधा आ रहा है और कपड़ा भी मैंने इस डिजाइन के हिसाब से नहीं लिया था, खरीदा था, इसलिए इतना ही कपड़ा आपको दिखाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को सब्र तो होता नहीं है। आपको लगता है कि बस आपने अभी फोटो भेजा और फटाक से ड्रेस तैयार हो गई। आप खुद ही सोचिए क्या ये सही तरीका है, नहीं ना? तो कभी कभी आप लोग आपस में भी डिजाइन शेयर कर लिया कीजिए, एक दूसरे को एडवाइस कर दिया कीजिए, ठीक है? तो चलो अब हमें ये पिछला पल्ला रख करके हमने कपड़े की कैसे प्लेसमेंट है वो तो आपने देख ली, नहीं ध्यान किया तो एक बार पीछे बैक जाके एक बार फिर देख लेना प्लीज, ओके। अब हम जो आउटलाइन है उसको हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा ऊपर साइड से कट गया, ऊपर से भी हमें काटना होगा, पर योक को हटा लेंगे और ये देखिए लाइन जो मैंने लगाई थी ऊपर, उसको उसके ऊपर आधा इंच छोड़ते हुए कटिंग करेंगे, क्योंकि ये सिलाई में आएगा, ठीक है? सिलाई में नहीं आप कपड़े को जोड़ेंगे तो ड्रेस आपकी छोटी बड़ी हो जाएगी। देखिए ये आपका, इसमें कपड़े का उल्टा साइड और सीधे साइड का बहुत ध्यान रखिए, दोनों पल्ले एक जैसे कट जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो सकती है, या तो कपड़े पर निशान लगा के रखिए, ठीक है? और अगले आगे से, क्योंकि आपने बटन पट्टी वाला डिजाइन भेजा है, तो दो तरीके वैसे हैं, एक तो शर्ट वाला स्टाइल, दूसरा सिंपल मोड़ने का। अब हम एक और कपड़ा ले लेते हैं, इसको भी बिछा लेंगे। अब हमारे लिए आसान है काटना, क्योंकि हमें जो पहले वाला पल्ला काटा है उसी को रखते हुए हमने ये वाला पल्ला भी काटना है। इसको रखेंगे हम, डिजाइन कोई है तो डिजाइन से डिजाइन को मिला लीजिए, कपड़े की सीधी साइड अंदर रहेगी और यदि कपड़े की सीधी साइड बाहर है तो दोनों पल्लों की सीधी साइड बाहर रहेगी। कपड़े की अगली वाली साइड जो मोड़नी है वहां पर 2 इंच रखते हुए यानी बढ़ाते हुए मैंने काट लिया, साइड से लाइन पर काटा है और नीचे से भी लाइन पर काटा है। लाइन यानी हमारा जो दूसरा पल्ला है सेम टू सेम, ओके। अब इसके ऊपर उल्टी साइड निशान लगा दिया ताकि हमें पता है किस साइड से कौन सा जुड़ना है कपड़ा। चलिए कटिंग तो ऑलमोस्ट हो गई, ये योक हो गया। और इसकी सेटिंग कैसे करनी है, क्योंकि इसकी सिलाई बहुत इजी है, आपने यदि मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं कोई भी, तो आप कोई सा भी देख करके आपको पता चल जाएगा मुड्डे कैसे जोड़ने हैं, बाजू कैसे जोड़नी है, गला कैसे जोड़ना है, सब कुछ, और आगे की बटन पट्टी कैसे लगानी है। बटन पट्टी में बस एक बात ध्यान रखिए, आपको कितना टेढ़ा चाहिए आगे से, कितना खुला हुआ चाहिए ये टॉप, या कितना ओवरलैप करना है, एक के ऊपर एक कितना चढ़ाना है,
उसके हिसाब से इसकी सेटिंग कीजिए। तो ये जो बटन पट्टी वाली साइड है वो दोनों साइड से तकरीबन 3.5-4 इंच की दूरी पर आर्म होल से होगी। ठीक है, तो अब हम बाजू काट लेते हैं। बाजू में अब क्योंकि डिजाइन एक ही तरफ दौड़ रहा है तो हमें कपड़े को बीच में से काटना पड़ेगा ताकि डिजाइन दोनों बाजुओं का एक ही तरफ को जाए। सीधी साइड कपड़े के अंदर की तरफ है और उल्टा भाग बाहर की तरफ है। कपड़े को मोड़ लेंगे हम क्योंकि दोनों बाजू एक साथ कटेगी। लंबाई जमा 2 इंच यानी टोटल 10 या 12 इंच ले लीजिए। मुड़ा 7 इंच, 5.5 इंच मोरी बाजू की, 3 इंच, ये मैं स्टैंडर्ड बता रही हूँ, स्टैंडर्ड आ जाते हैं सबको। ठीक है, 3 इंच अंदर लीजिए, ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए टेढ़ा निशान लगाइए। इसका मिड पॉइंट लीजिए, आधा इंच बाहर करते हुए गोलाई ले लीजिए, आगे से हल्की गोलाई और फिर बाहर से मिला लीजिए सिंपल, और मोरी से मुड़े तक मिला लीजिए निशान सीधा, वरना इसको भी हल्की सी गोलाई दे दीजिए यदि गोलाई देना चाहें तो। ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। सिलाई के लिए बाहर कपड़ा चाहिए होगा हमें। ठीक है, तो ये हमारी बाजू हो गई। इसके ऊपर ट्रेसिंग व्हील चला देंगे तो सारी दोनों बाजुओं पर निशान आ जाएगा। लाइन के ऊपर काट लीजिए। वैसे तो मुझे पता है अब तक तो आप एक्सपर्ट हो ही गए होंगे और आप में से बहुत सारे लोग एक्सपर्ट हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। देखिए नीचे से भी 1.5 इंच मैंने कपड़ा मोड़ा हुआ है, हल्का सा कुटका लगा देंगे तो दोनों बाजू कितनी कितनी मोड़नी है हम तो हमें पता चल जाएगा। अब इस बाजू को सीधा करेंगे और अगली जो बाजू है अगली तरफ से उसको काट लेंगे। अगर गलती से दोनों बाजू एक जैसी कट जाए यानी एक ही साइड बाहर हो तो फिकर नॉट, बाजू को ऊपर से बराबर कर लीजिए। थोड़ी लंबाई कम होगी लेकिन बाजू दोबारा कट सकती है, वरना वरना क्या करेंगे, पिछली वाली बाजू को कम गहरा छोड़ के अगली वाली बाजू को थोड़ा हल्का और यानी दोनों बाजू को एक जैसा काट करके फिर लगा लेंगे। अभी क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी बताया, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। वैसे मैंने इंग्लिश में भी वीडियो डाला हुआ है, देख लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।